वेलकम टू माय चैनल नेवी रॉक्स टीम। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा जैपनीज लीग का कावासाकी वर्सेस गांबा ओसाका के बीच 1 घंटे 19 मिनट बाद। तो दोनों टीम्स की बराबर की टक्कर, मतलब अगर मैं कावासाकी टीम की बात करूँ वो तो अपनी लिस्ट में सबसे टॉप पे चल रही है एंड ओसाका भी किसी से कम नहीं है। तो बात करूँ इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, तो इस मैच की फाइनल टीम मैं आपको पोस्ट करूँगा अपने इस टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं तो नीचे की ओर ये आपके कुछ विनिंग के स्क्रीनशॉट्स हैं जो आप लोगों ने मुझे भेजे थे एंड मैंने टीम ओपन सेंड कर दी थी प्रीवियस मैच की। तो अगर मैं इस मैच की बात करूँ तो मैच तो काफ़ी ज़्यादा सा इंटरेस्टिंग है, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट रखनी है मीडियम, ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि फुटबॉल है एंड क्रेडिट इशू इसमें नहीं आया। पहले लग रहा था आएगा लेकिन जब मैंने टीम मेंटेन की तो क्रेडिट इशू नहीं आया। लाइनअप्स आ चुकी हैं तो एक तरह जो मैं आपको टीम पोस्ट कर रहा हूँ फाइनल है, अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलते हैं शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं गोलकीपर की, तो यहाँ से मैं सबसे सेफ गोलकीपर के साथ जा रहा हूँ जिसका नाम है मासाकी हिगासुगुची, जो कि जब भी इनकी टीम विन करती है, जब भी मतलब मान लो मासाकी जीतती है तो ये उस दिन नहीं चलता, लेकिन मासाकी के विनिंग बहुत मैचेज हैं। लेकिन इस प्लेयर के अंदर खासियत क्या है, जब भी इसको विनिंग के बाद क्लीन शीट मिलती है ना, क्लीन शीट के बाद ये प्लेयर कम से कम 40 से 50 पॉइंट हमें दे चुका होता है। मतलब इस प्लेयर के अंदर ये कुछ खासियत है। लेकिन अगर पूरी टीम हारे या जीते लेकिन इस बंदे के 20 से 30 पॉइंट आज के मैच में पक्के रहने वाले हैं, क्योंकि ओपोनेंट टीम भी बहुत स्ट्रांग है, अल्ट्रा स्ट्रांग है। तो बात करूँ डिफेंडर की, तो यहाँ से मैंने इतना बड़ा प्लेयर छोड़ दिया, आपको लग रहा होगा भाई क्या कर रहे हो, ऊपर से मैंने एक प्लेयर छोड़ दिया के योंग गमोन को। अब आपको लग रहा होगा भाई ये तो पूरी जनता का कैप्टन भी रहने वाला है, वाइस कैप्टन रहने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इस प्लेयर का आज के मैच में मेन रोल होगा, वो तो है ही, एक एक प्लेयर का मेन रोल होता है। लेकिन मेरी टीम में मैंने इसको इसलिए नहीं दिया क्योंकि नीचे से मेरे को 3 डिफेंडर एक टीम के लेने ज़रूरी थे, जो कि है कावासाकी। तो यहाँ से जो मैं अपना एक डिफेंडर ले रहा हूँ वो रियू को मेरे को पिछली बार भी ट्राई करना था, जो कि प्लेयर बहुत ही बढ़िया है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छी पिक है और भाई बहुत अच्छी डिफेंडिंग भी करता है। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर गाइज जिसका नाम है के नोबो, जो कि मैं आपको बता दूं इस प्लेयर के अंदर खासियत क्या है, जितने मर्जी कॉन्टेस्ट टीम जीत जाएगी ना, जितने मर्जी मैचेस इनकी टीम जीत जाएगी, लेकिन इस प्लेयर ने आपको 50 पॉइंट देने ही देने हैं और 50 पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर पिछले मैचेस में देखा जाए तो ध्यान से देखो कि इसको पिछले मैच में अगर जो प्रीवियस मैच होता उसमें क्लीन शीट नहीं मिली थी, जिसमें कि इसने 2 शॉट ऑन टारगेट भी मारे थे। विदाउट क्लीन शीट अगर प्लेयर आपको 20 से 30 पॉइंट दे रहा है तो वो प्लेयर जब क्लीन शीट के बाद क्या हाल करेगा, आप ज़रा ध्यान से सोचना। लेकिन क्लीन शीट मिलना मुश्किल आज के मैच में। तो आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर जैसिल मिरांडा। जैसिल मिरांडा के बारे में मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में कहा था कि इसको आप ट्राई कर लेना, और ये बंदा गोल ही कर गया। मतलब मेरे को जो उम्मीद थी वो थी असिस्ट की, लेकिन गोल की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन गोल कर गया यार, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एंड आज के मैच में भी लिटिल बिट चांस है क्योंकि ये बंदा गोल वगैरह आराम से कर देता है, गोल की बात ना कहूँ तो असिस्ट करने में तो बहुत ही ज़्यादा माहिर है। एंड आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर एम यमेन को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक कावासाकी के 3 होने ज़रूरी हैं। अगर बाई चांस क्लीन शीट मिलती है तो हमारी टीम में ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और आगे से बात करूँ यमेन की जगह आप चाहो तो इस सेफ प्लेयर को ट्राई कर सकते हो जिसका नाम है के योंग गवोन। अगर आपको सेफ जाना है, इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क, तो एम यमेन इज़ बेस्ट। तो बात करूँ भाइयों मिडफील्डर की, तो आज एक बहुत बड़ा प्लेयर नहीं खेल रहा जिसका नाम है वाई दगुची। कोई बात नहीं, इसकी जगह जो मैंने पहले से चूज़ कर रखा था वो है मेरा एक ज़बरदस्त प्लेयर जिसका नाम है शू कुराटा को मैं इसलिए ले रहा हूँ। ये मिडफील्डर है, ये देखो अभी कितने मैचेस से बिल्कुल नहीं चल रहा, आज इसके चलने के लिटिल बिट चांस मुझे लग रहे कि आज ये बंदा 30 से 40 पॉइंट का खिलाड़ी हो सकता है विदाउट गोल एंड विदाउट असिस्ट के। आगे से बात करूं के मिटोमा की द होल ओवर द गेम कैप्टन, पूरी गेम का आज ये जितने भी आपके ओपोनेंट्स मिलेंगे कम से कम आपका, ज्यादा ना बोलूं तो 90% लोगों का कैप्टन रहेगा, 90 तो नहीं तो मैं बहुत ज्यादा ही बोल गया, कम से कम 30-40% लोगों का आपका कैप्टन रहेगा। बाकी जो ग्रैंड लीग खेलते हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लेकिन अगर आप स्लो स्मॉल लीग खेलते हो तो इस प्लेयर को आप कैप्टन जरूर ट्राई करना क्योंकि मुझे इस प्लेयर पर बहुत भरोसा है। आगे से बात करूं यहां से लूंगा एक और प्लेयर का मैं भाई युकी यानामोटू, जो कि भाइयों पिछले मैच के अंदर ये प्लेयर 76 पॉइंट देके गया था जिसमें कि इसने सिंगल असिस्ट की थी और साथ ही साथ बहुत बढ़िया खेला था। मैंने आपको पहले ही बोला था एक लो प्लेयर जरूर चलेगा आज पे, जो मुझे चांस है चलने के वो है एच मोरिटा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आज एच मोरिटा कुछ खास करने वाला है। मैं अब बोलोगे भाई फिर ले क्यों नहीं रहे, मैं इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकता ना, अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो आप रिस्क लो, स्मॉल लीग में रिस्क लेना बनता नहीं है यार। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर जिसका नाम है आउट नाका को मैंने इसलिए लिया है
ये थोड़ा रिस्की सा प्लेयर है एक्चुअली, क्योंकि इसकी सिलेक्शन बहुत ही कम है। अगर आप चाहो तो इसकी जगह ट्राई कर सकते हो आर ओशिमा को। आर ओशिमा के भी लिटिल बिट चलने के चांसेस, क्योंकि इतने दिनों बाद खेलने वाला है, पिछले मैच में भी नहीं खेला था। और कम से कम भाइयों आप ये लगा लो कि ये कम से कम 10 अक्टूबर के बाद आज का मैच डायरेक्ट खेलेगा। पिछले में खेला था लेकिन लाइनअप्स में नहीं था, ओनली ये था सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट का मज़ा नहीं आता। तो अगर आप चाहो तो इसकी जगह ऊपर से भी प्लेयर ले सकते हो, लेकिन अगर मैं तो यार रिस्क लूँगा इस प्लेयर के साथ। तो बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की, तो टी उसामा ने पिछले मैच में गोल कर ही दिया, 58% सेलेक्शन दी, और मेरा वाइस कैप्टन था आई थिंक, और बहुत ही बढ़िया खेल के गया। और बात करूँ एल डामियो को लोग इसलिए नहीं ट्राई करते क्योंकि ये कावासाकी का मेन रोल नहीं है, ये मेरे को ऐसा मेरा मानना है, लेकिन आज के मैच में पूरी गेम इस पे टिकती है आई थिंक, आज तो कुछ करेगा ही। आगे से बात करूँ ये पैट्रिक की, आप चाहो तो इसको ले सकते हो, क्रेडिट बहुत मेंटेन है, लेकिन मैं इसलिए नहीं ले रहा, मुझे इस पे भरोसा नहीं है, लेकिन आज गोल कर सकता है क्योंकि पिछले मैच में इसने गोल किया था, भरोसा नहीं था इस पे भी। और इन दोनों को अगर आप चाहो तो कॉम्बिनेशन बना सकते हो जीएल में। तो बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन रहेगा के मिटोमा एंड वाइस कैप्टन एल डामियो। अगर सेफ जाना है देन आप चूज़ कर सकते हो इनका गोल कीपर, या फिर आप ट्राई कर सकते हो एक और प्लेयर जिसका नाम है भाइयों जे कोडोसा। तो मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।